हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसके आगे आप समोसा कचौड़ी सब भूल जाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक कटोरी आटा, ये गेहूं का आटा है। इसमें हम मिक्स कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून सूजी, नॉर्मल सूजी है जिससे हम हलवा वगैरह बनाते हैं। अब आटा और सूजी को थोड़ा सा हम ऐसे मिक्स कर देंगे। ये घर के पिसे हुए गेहूं का ही आटा है। अब ये है अजवाइन, तो एक छोटी चम्मच मैंने इसमें अजवाइन ऐड किया है। अजवाइन को ऐसे हाथों से ना बढ़िया से क्रश करके डालिएगा तो इसका फ्लेवर ना बहुत बढ़िया सा आता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, और ये सारे मसालों को, आटा को और सूजी को और ये अजवाइन नमक सब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आज मैं बहुत बढ़िया सी रेसिपी बताने वाली हूँ आपको, जो आपको बहुत पसंद आएगी। और ये थोड़ा सा ना, ये जो आटा है रेडी हुआ है, ये हम थोड़ा सा एक बाउल में निकाल लेंगे, क्यों वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, 1 से 1.5 टेबल स्पून ये ऑयल है। तो ये ऑयल को आटे में अच्छे से मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब इसे हमें हाथों से अच्छे से मिला लेना है ताकि आटे में ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये बढ़िया से एक बाइंडिंग ऐसे बनने लगेगी ना, तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इस बढ़िया से डो रेडी कर लेना है। याद रखिएगा कि आटा ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड। ये देखिए, मैंने आटा बढ़िया से रेडी कर लिया। अब इसे एक साइड रख देंगे। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे आलू की, तो उसके लिए हम मसाला रेडी कर लेते हैं। ये है बॉयल आलू, 2 बॉयल आलू है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर और थोड़ा सा पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। ये बहुत ही अच्छी स्नैक की रेसिपी है। इसके बाद तो आप सारे स्नैक की रेसिपी भूल जाएंगे। और ये इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी काली मिर्च कूट के, और ये थोड़ा गरम मसाला। अब बढ़िया से हमें आलू को हाथों से अच्छे से मैश करके सारे मसालों के साथ मिक्स कर देना है। ये देखिए, ये बढ़िया से आलू का मसाला रेडी हो गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी आगे। फिर उसके लिए हमें क्या करना है कि ये छोटी सी सिलोई तोड़ना है और ऐसे हमें रोटी की तरह ऐसे बढ़िया से बेल लेना है। याद रखिएगा, इसे थोड़ा लंबाई में हमें बेलना है और ये इसकी थिकनेस इतनी पतली होनी चाहिए। आपको ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना ना बहुत पतला बेलना है। फिर ये जो आलू का बैटर हमने रेडी किया था ना, इसे अच्छे से हाथों से चारों तरफ फैला देना है और इसे राउंड राउंड करके ऐसे एक रोल रेडी कर लेना है। तो इसे क्या कह सकते हैं, आलू के रोल या फिर आलू की क्रिस्पी बाइट, क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी बनती है और एक बार में बहुत सारी बाइट बन के रेडी हो जाती है। तो ये देखिए, बढ़िया सा ये आलू का रोल मैंने रेडी कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से आराम से ये प्रोसेस करिएगा। ये बहुत बढ़िया से बनते हैं और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। ये जो आटा हमने थोड़ा सा साइड में निकाला था ना, तो इसे भी हमें पानी ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके हमें इसका एक घोल रेडी करना है। याद रखिएगा, ये घोल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा नहीं। पोटैटो बाइट हमें इसी में डिप करना है। ये देखिए, इसे बीच से ऐसे कट कर लेना है और ये छोटे छोटे पार्ट में ऐसे कट करके हमें अलग कर लेना है। एक बार में बहुत सारे बन के रेडी हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ी सी आसान लगती है मुझे रेसिपी और बहुत ही हेल्दी होती है। वैसे तो मैदा वैदा से हम बनाते हैं, पर ये आटे और सूजी का है और बहुत ही बढ़िया लगता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए, ऑयल मैंने चढ़ा दिया था, ऑयल बढ़िया से गर्म हो गया है। अब एक एक बाइट को हम घोल में डिप करेंगे, उसके बाद ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो गैस के फ्लेम को लो और मीडियम ही रखिएगा ताकि अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी होके फ्राई हो जाए। ये देखिए, मैंने एक एक बाइट को ऐसे ही घोल में डिप किया है, उसके बाद इसे फ्राई कर देना है हमें। तो है ना बढ़िया आसान सी रेसिपी, और एक बार में इतने सारे क्रंची पोटैटो बाइट बन के रेडी हो जाते हैं ना। अब जिसे भी खिलाएंगे वो ज़रूर पूछेगा ये कैसे बनाएं, ये किससे बनाएं। अब बहुत ही यमी बनती है और बहुत फटाफट से बन के रेडी हो जाती है और बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है, क्योंकि ये आटे से बनी है। तो ये देखिए, ये गोल्डन फ्राई हो गए हैं, इन्हें हमें अल्टा पलटा के बढ़िया से फ्राई कर लेना है। और ये देखिए, ये इतने कुरकुरे हैं ना, आपको लग रहा होगा ये आटे से बने हैं तो सॉफ्ट हो जाएंगे। नहीं,
ये उतने ही क्रंची होते हैं जितने कि बाकी सारे स्नैक क्रंची होते हैं, जैसे खस्ता वगैरह होते हैं ना वैसे हो जाते हैं ये, एकदम समोसे की तरह क्रिस्पी ही रहते हैं। ये देखिए इसे इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आप बनाइएगा एक बार, ज़रूर ट्राई करिएगा, ये पोटैटो पाई बहुत यम्मी लगते हैं। अब ये जो बाकी का आटा बचा है उससे मैं क्या करूँ, अब वही चीज़ बनाऊँ आपको दिखाऊँ या फिर मैं कुछ और ही बनाती हूँ इससे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है और इसे बढ़िया से एक बड़ी सी लोई में तैयार कर लेंगी। ये देखिए आटे को अच्छे से मसल मसल के थोड़ा सा हमें सॉफ्ट कर लेना है और ये ऐसे एक लोई की तरह बना लेना है। अब इसमें थोड़ा सा आटा डस्ट करके हम और बढ़िया से रोटी के जैसे बेल लेना है। ये देखिए मैंने इसे बढ़िया से बेल लिया है। तो अब हम इससे बना लेंगे नमक पारे। जी हाँ, हम इसी आटे और सूजी के डो से बना लेंगे नमक पारे। तो एक डो से बन गई ना दो दो स्नैक की रेसिपी। ये देखिए मैंने बढ़िया से इसे ऐसे कट कर लिया है। आप भी ऐसे ऐसे बेल के जो शेप में आपको कट करना है, बड़े छोटे चौकोर ऐसे लंबे में, आप इसे कट कर लीजिएगा और ऑयल में बढ़िया से फ्राई कर लीजिएगा। ये बहुत बढ़िया लगती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो मेरा तो यही रहता है, कभी कभी मैं जब मैं स्नैक बनाती हूँ तो एक ही स्नैक से दो दो स्नैक रेडी कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस आटे से मैं दो स्नैक रेडी कर लूँ। तो आपके लिए भी आसान रहेगा, जब आप एक बार आटा तैयार करेंगे तो उसी से आप ये बढ़िया नमक पारे बना लीजिएगा। ये भी उतने ही क्रिस्पी होंगे जितने वो पोटैटो बाइट। ये दोनों ही रेसिपी बहुत बढ़िया है। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो बढ़िया सी ये नमक पारे और पोटैटो बाइट की रेसिपी है, इससे आप इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।